छोटी सी उम्र पाई, 1905 में पैदा हुए, 24 सितंबर 1962 को की ना कहानी शव 57 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने पर इस दुनिया से गुजर गए। 8-10 मिनट, क्योंकि तौसीह लेक्चर, इट्स एन एक्सटेंशन लेक्चर, तो इसमें इसकी जिम्मेदारियां मुकर्रर पर बहुत ज्यादा होती हैं कि अगर एक शख्स भी ये इद्दा करे या ये दावा करे कि उसे किसी चीज की कोई मतलब नहीं मिला, नया नहीं मिला, तो वो कामयाब लेक्चर नहीं कहला सकता। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं, क्योंकि जहन के सफा से पढ़ रहा हूं, कि हजरत जोर की सवाने 7 या 8 मिनट में आपकी खिदमत में पेश कर ज्यादातर वक्त उनके फन पर, उनकी तसानीफ पर, उनकी खिदमत पर, उनके कारनामों पर सर्फ करूं। तो आपने देखा सैयद मोहियुद्दीन कादरी, जिनका तखल्लुस जोर, दक्कन में पैदा हुए, श्रीनगर में दफन, आपके वालिद मरहूम सैयद शाह गुलाम मोहम्मद, जवानी में खुद शेर कहते थे और खुद उन्होंने कुछ ड्रामे लिखे, लेकिन फिर इस तख्लीकाती जौक को फिदा कर देहात के पसमानदा और गरीब लोगों की मदद के लिए कलंदराना तमाम जिंदगी बसर कर दी। 1361 में डॉक्टर जोर के वालिद का इंतकाल हुआ। ये जो मुस्लिम जंगपुर है, इसके पायती में आपने, बेटे ने, डॉक्टर जोर ने उनके लिए एक गुंबद बनाई, एक खानखा तामीर की। मुझे एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था इटली के एक जमाने के प्राइम मिनिस्टर ने, अपने जॉब पे जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले हर रोज अपने बाप की खिदमत में पहुंच कर सलाम कर मॉर्निंग टी पी कर वो अपने काम पर जाता था। यहाँ पर जोर ने कुछ इसी तरह का, हर रोज दफ्तर जाने से पहले वालिद के साथ बैठकर सलाम और कलाम करते थे। ये थी तहजीब हैदराबाद, ये था आलमबरदारे सखाफत हैदराबाद। खानदान जोर सदियों से मोहम्मद तुगलक के साथ नांदेड़ के करीब आबाद हुआ। ये लोग सादात मशायख हैं। इब्तदाई तालीम जोर की दारुल उलूम स्कूल में हुई, मैट्रिक सिटी कॉलेज से, सिटी हाई स्कूल से पास किया। 1925 में जोर ने फर्स्ट डिवीजन में बीए किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। 1927 में फर्स्ट डिवीजन में एमए किया। उस वक्त निज़ाम गवर्नमेंट ने फौरन इन्हें तालीमी वजीफा देकर इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में ये चाहते थे कि उर्दू की लसानियत पर काम करें, लेकिन वो उनवान कोई दूसरा स्टूडेंट ले चुका था, तो इन्होंने उर्दू के आवाज और उर्दू के इर्तिखा पर पीएचडी की। 2 साल में पीएचडी कर और उनके निगरानकार, जिससे आप वाकिफ हैं, माहिर लिसानियत, जिसने उर्दू की तारीख लिखी है, ग्राम बेली ग्राम ने इनको पीएचडी की डिग्री 1929 में मिली। कुछ महीने के लिए हैदराबाद आए और उसी कुछ महीनों में एक शाहकार किताब यहां से शाया की, जिसका नाम था उर्दू शहबारे। फिर वापस चले गए फ्रांस और वहां पर 1.5 साल की उसमें उन्होंने सौतियात यानी फोनेटिक्स पर काम किया, लिसानियत, उस चीज पर मैं आऊंगा, अभी तो मैं सवाने में। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तेजी से जोर ने, जब तहसीलात तमाम हुई तो वापस आए हैदराबाद, उनको उस्मानिया यूनिवर्सिटी का रीडर बनाया गया उर्दू, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक उस वक्त सदर शोभा थे। जब वो दिल्ली मुंतकिल हुए तो सदर शोभा उर्दू भी हुए। कुछ साल काम करने के बाद दारुल उलूम कॉलेज के प्रिंसिपल,
फिर छात्राघाट हाई स्कूल के प्रिंसिपल, वहां से मौजिफ हुए, वजीफा हुस्न कार हासिल कर कर कश्मीर गए, जिस जहां पर वो शोबे उर्दू के सदर और डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हुए। और दो साल बाद उनका हरकत खाल बंद होने से इंतकाल हो गया। हजरत बदायूनी जो उनके साथी थे, उन्होंने अपने दोस्त के बिछड़ने पर बहुत सही कहा। क्या कहा? हैदराबाद की मिट्टी भी अजीब मिट्टी है, हीरा पैदा किया तो कोहिनूर, आदमी सदियों के बाद पैदा किया तो डॉक्टर जोर जैसा, कोहिनूर को लंदन ने ले लिया और जोर को कश्मीर ने दबा दिया। हाय तकदीर, हैदराबाद की दौलत बाहर वालों की किस्मत में थी। और है हैरत बदायूनी के ये जुमले नसरी नोहा है। हैदराबाद की उम्दा शायर बानो ताहरा सईद ने कहा, ऐ अर्ज़ कश्मीर ये कैसा सितम किया, हीरा दकन के छीन के पहलू में रख लिया, हम रो रहे हैं खून के आंसू, खबर भी है तू खुश है, कोहिनूर हमारा तुझे मिला, जाने बहार रंगे बहारा में खो गया, कश्मीर की फिजाए गुलफ़चा में खो गया, अहले दकन की आंख का तारा वतन से दूर, रानाइयों की बज में गजल खां में खो गया, ऐ काश एक बार वतन को फिरा कर। मैं मुतमईन हूं रूह खादरी साहब इस वक्त मौजूद है, ऐ काश एक बार वतन को फिरा के देख, अपने फिदाइयों को जरा मुस्कुरा के देख, तेरे बगैर कितना अंधेरा है बज में, शम्मे हयात काश दोबारा जला के। डॉक्टर जोर एक आला पाए के अदीब, एक बेमिसाल मुहक्किक, एक मुनफरिद नक्काल, एक दिलसूज मौलिम, एक उम्दा शायर, एक दिलकश अफसाना निगार, एक बाकमाल मुदब्बिर, मसीहा ज़बाने दकनी, तबीब ज़बाने उर्दू, मौरिख बेबदल, मुहद्दिस शहर इश्क, फरखुंदा बुनियाद हैदराबाद, जिसके हर हर से दिलबरी छलकती है, जिसके लफ्ज लफ्ज से मोहब्बत छलकती है, जिसकी गुफ्तगु से बस में सुखन महकती है। मैं किस तरह उसकी गुफ्तगु को इस मुख्तसर सी गुफ्तगु में पुर कर सकूं? लेकिन अगर आप शीरीन दरिया का पूरा सेचा ना जा सके तो मुखर्रिर की कोशिश यह होना चाहिए कि इतना तो खींचा जा सके कि तिश्नगी कुछ कम हो सके। आइए तफरीखात की जानी। डॉक्टर जोर एक फितरी शायर थे, बाप भी शायर, बेटा भी शायर। मैंने अर्ज किया कि शाह साहब जवानी में शेर कहते थे, अर्श मिलसियानी ने डॉक्टर जोर के बारे में सही कहा, लिखते हैं, डॉक्टर जोर उर्दू और फारसी में शेर कहते थे, इनके साथ इतना कि शेर पढ़ने से पहले अपने गर्द पीछ किसी अजीज दोस्त से कहते, भाई हमारी गजल देख लो, अगर इसमें कुछ सुकून है तो निकाल दो। मिलसियानी कहते हैं शेर के मामले, कहते हैं गजल में सुकून तो होता नहीं था, लेकिन शेर के मामले में चूंकि मश्क ज्यादा नहीं करते थे इसलिए खुद एतमादी कम थी। डॉक्टर जोर की आखिरी गजल जो गैर मतबूआ है, जो उनके इंतकाल से 11 दिन पहले लिखी गई है, सुनिए, उन्वान है, यह गजल उन्वानी है जिसको हम आज हयात तरीके से इसको नज़्म भी कह सकते हैं। साथियों पूंछ भी डालो अब चश्मे नम, साथियों क्यों करें आज भी कल का गम, साथियों अपनी तकदीर बनती है तदबीर से, अपना दुश्मन का ढूंढो करम, साथियों मुनहसिर है ये दुनिया जो असबाब पर, सो भी असबाब होंगे बहम, साथियों हम दमो जीना छोड़ो यही वक्त है, यूं ही बढ़ते रहे हर कदम, साथियों हिम्मतें पस्त होने न पाए क्या, खत्म होता है दौरे सितम, साथियों देख रहे हैं आप, ये शेर ये अशार कभी तवज्जो नहीं की। ड्रामे लिखे 1925 में बीए के तालबे, एक कमाल किया जोर ने,
जोर ने क्या किया, उन्होंने अपने तालिबे इल्म के दरमियान एक नीम तारीखी अफसाना लिखा जो अभी बीए के तालिबे इल्म थे शाया हुआ, जिसका उन्वान था तिलिस्म तकदीर। हैदराबाद से शाया होकर बहुत मकबूल हुआ, उस जमाने के मैगजीनों में अफसाना निगार की हैसियत से जोर छपते थे। 1937 में दूसरा अफसाने का मजमुआ सैर गोलकुंडा, उसी साल तीसरे अफसानों का मजमुआ गोलकुंडे के हीरे, और फिर 1952 में फुरखंदा बा बुनियाद हैदराबाद अफसानों के मजमुए, शायद मैंने कुछ हिसाब किताब किया कोई 23 अफसाने इस वक्त हमारे दरमियान जोर साहब के मौजूद हैं। कमाल क्या है इन अफसानों में, अफसानों में कमाल यह है कि जिस तरीके से आबे हयात के लिए मोहम्मद हुसैन आजाद ने वाकयात को अपने तखयुली पैकर देकर और उसमें शायराना नसर से रंग भरकर उस उनकी दास्तानों को, उन वाकयात को, उन दस्तावेजों को आबे हयात बना दिया, उसी तरीके से जोर ने भी इन तमाम 22-24 जो उनके अफसाने हैं, हैदराबाद की तहजीब, हैदराबाद की सकाफत, हैदराबाद की अदबी तकनी जो अखदार थी, उनको बहुत उम्दा तरीके से पेश किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अफसानों की इफादियत और मकसद हासिल हो, इस लिहाज से ये अफसाने बहुत अहम हैं। जोर ने तखयल के साथ साथ मुस्तनद वाकयात को इस खूबसूरती से ज़ेब दास्तान किया कि अक्ल हैरान रह जाती है। पारी ने कदीम वाकयात को दकन के सयाहों के सफरनामों से, उर्दू और फारसी की किताबों से, सीना ब सीना चलती हुई रिवायतों से मुतालिया करकर, जमा करकर इस तरीके से उसने यूसुफ को बाजार मिस्र में पेश किया कि हर शख्स उसका खरीदार हो गया, और इन अफसानों की किताबों के कई एडिशन शाया हुए, कई एडिशन। एक जुमला कहता हुआ पढ़ूं, क्यों कह रहा हूं कई एडिशन। सबसे मुमताज किताब अल्लामा इकबाल की, तकाबुल नहीं कर रहा हूं, रीडरशिप की बात कर रहा हूं। उर्दू अदब का एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उर्दू अदब में रीडरशिप नहीं है। 1934 में अल्लामा इकबाल की जावेद नामा आता है, 5,000 शब्द, इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े उस जमाने के महाराजा जागीरदार। चौधरी मोहम्मद हुसैन 1948 में कहते हैं कि पहली बार जो किताबें अल्लामा की छपी, अभी 500-600 किताबें बाकी। अल्लामा इकबाल की 5,000 किताबें 16 साल में ये मिल्लत ने खरीद के नहीं पढ़ी। उस जमाने में 6-6 एडिशन जोर के छप रहे। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जोर का यह तजुर्बा कि तखलीक के साथ उसमें दर्द, अफसानों में क्या होता है, राजाओं की, दरबारों की, दरबारों की बात होती है, लेकिन यहां पर जोर के पास दरबारों और दरबारों के साथ साथ झोपड़ियों की रोशनी की भी रोशनी आपको नजर आती है। गरीबों के मसाइल महलों के साथ झोपड़ियों के वाकयात भी मिलते हैं, और इस तरीके से मिलते हैं कि वो जबान ज़दे आम हो जाते हैं। आप जानते हैं कि मक्का मस्जिद की बुनियाद का जो मसला है कि जब अब्दुल्ला कुतुब शाह ने ये चाहा कि मक्का मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जाए, तो सबसे पहले कहा कि वो शख्स आगे बढ़े जिसकी नमाज वाजिब कभी खजा नहीं हुई है। तो देखा 10 या 11 लोग आगे बढ़े, जब 10 या 11 लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर बुनियाद कौन रखे, तो कहा वो शख्स आगे बढ़े इन 10-11 लोगों में से जिसकी नमाज तहज्जुद कभी कज़ा नहीं हुई। देखा कोई शख्स आगे नहीं बढ़ा, उस वक्त अब्दुल्ला कुतुब शाह खुद आगे बढ़ता है और संगे बुनियाद मस्जिद रखता है। यह है उस सुल्तान का तख्वा, यह है सहर निगारी फिजो। लफ्ज दिमागों में ऐसे सख्त हो गए हैं जैसे पत्थर की रखी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अकबर आजम हमास रहे, अब्दुल्ला कुतुब शाह और जहांगीर हमास रहे। जहांगीर को तो शुमाली हिंद ने मुगले आजम की अनारकली दे दी,
जोर ने हमें धन्य सावली दी थी। धन्य सावली एक नावल है, एक अफसाना है, जिसका इश्क अब्दुल्ला कुतुब शाह से है। जोर ने इस इश्क को इस खूबसूरती से, इस छोटी सी सावली हसीना के मोहब्बत को इस खूबसूरती से लिखा है कि अगर उस पर स्क्रिप्ट बनाई जाती तो मुगले आजम की तरह एक खुतबे आजम भी तैयार हो सकता। मगर खैर, मैंने अर्ज किया कि डॉक्टर जोर की उम्र 57 साल। इब्ने कलामी ने, अजीब है कि डॉक्टर जोर के तसनीफात की तादाद भी 57 लिखी है। 57 साल की खलील उम्र, 35 साल की अदबी उम्र, उसमें 57 से ज्यादा किताबें, 350 से ज्यादा मकालात, उसके साथ मौलिमी, उसके साथ खिदमत, जो मैं जिक्र करता रहूंगा। बहुत उम्दा और बहुत तेज लिखते थे। डॉक्टर जोर की बेटी तस्नीम जोर अपने यादों के मजमून में लिखती हैं और मैं पेश कर रहा हूं। शाम के वक्त तहनियत मंजिल गुलाबों की खुशबू में महका हुआ, मोतिया और मोगरा की खुशबू में नहाया हुआ और रात की रानी की खुशबू में डूबा हुआ रहा करता था, और वालिद मोहतरम अपने तख्त पर बैठे गुलिस्तान उर्दू का गुलजार महकाए हुए मसरूफ रहते। घड़ी जो सामने की दीवार पर लगी रहती उस पर नजर डालते और कहते, पौन घंटे में एक मजमून मैंने मुकम्मल कर लिया, पौन घंटे में मैंने एक मजमून मुकम्मल कर लिया है। इत्मीनान की सांस लेते, बाजू में रखे हुए चांदी के पानदान से एक बीड़ा बनाते और अपने अहबाब को पेश करते, और मुस्कुराते हुए उनसे गुफ्तगू भी होती और साथ कलम भी चलते। देखा आपने, यह है जोर, यह है हमारे दक्कन का जोर। डॉक्टर जोर की तसानीफ की फहरिस्त मैंने अर्ज किया कि आपको खुश रास्तों से गुजरना है, क्योंकि दिस इज एन एक्सटेंशन लेक्चर, यह जो है तौसी लेक्चर, मेरी जिम्मेदारियां। इनके 57 किताबों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन चंद किताबों का बिल्कुल जिक्र करूंगा। इन किताबों को आप लिसानियात में, तनखीदात में, तख्लीकियात में, तारीख में, तारीख अदब में और तहकीकत में तकसीम कर सकते हैं। तनखीदियात में जो मारकतुल आरा किताबें हैं, रूह तनखीद, रूह अदब, तनखीदी में खालात, तीन शायर काबिल जिक्र। लिसानियात में हिंदुस्तानी लिसानियात और इंग्लिश में लिखी हुई हिंदुस्तानी फोनेटिक्स और फन इंशा परदाजी, मारूफ तरीन किताब। तख्लीकात में अभी मैंने अर्ज किया कि तिलिस्म तकदीर, सैर गोलकुंडा, गोलकुंडा के हीरे, फरखुंडा बुनियाद हैदराबाद मजमू में। तारीख की उम्दा किताबों में सुल्तान मोहम्मद खुली कुतुब शाह, मीर मोहम्मद मोमिन, गारसन दतासी, सरगुजश्ते गालिब, सरगुजश्ते खातम। तारीख अदब की किताबों में उर्दू शहपारे, दास्तान अदब हैदराबाद, अहद उस्मानी में उर्दू की तरक्की, तस्कर उर्दू मखतूतात, 6 जिल्दों में, लोगों को खर्चा 5 जिल्दें, नहीं 5 जिल्दें उनकी जिंदगी में थी, उनके इंतकाल के बाद उनका जो मटीरियल था उस मवाद से 6 जिल्द भी तैयार होकर इदारे अदबिया से शाया हुआ। अदबी तहकीकात में दीवान ज़ादे हातम और तस्करे गुलजार इब्राहिम, मकतूबात शाद अजीमाबादी, शाद इकबाल, कसस खूबरान, मताए सुखान, कैफ सुखान, बाद सुखान, फैज सुखान, मुरक्का सुखान, जिल्द अव्वल और दूसरा, कहाँ तक बयान करो। 57 साल की उम्र में इस शाहकार अजीम अदीब ने, इस सुपूत दकन ने वो काम किए हैं। रूह तनखीद पर बात करना चाहता हूं। यह किताब इस्म बा मुसम्मा है, यानी यकीनन तनखीद की रूह है। ये वो तनखीद की किताब है जो उर्दू की सबसे पहले तनखीदी किताब है। मैं कह रहा हूं कि आजाद हो या हाली हो या शिबली हो या सर सैयद हो, इन लोगों ने उर्दू तनखीद की गुफ्तगू की है। मैं तो इन किताबों का हर रोज का सैर करने वाला हूं, इन गुलशनों से गुजरने वाला शख्स सोहिया में नामवरी पैदा करेगा। अजब नहीं अगर इनकी यही शमूलियत और दिमाग मुस्तदी रही तो एक जमाने में
उर्दू इंशा पर्दाजी के दायरे में खास तौर से मुमताज ख्याल किए जाएंगे और दक्कन को उनकी जात पर नाज करने का मौका हासिल होगा। ये वहीदुद्दीन सलीम के अल्फाज थे। नियाज फतेहपुरी ने लिखा, तमाम उनवानों के तहत मौलिफ ने इस कदर अच्छा, मुफीद और पुरमज मालूमात मवाद फराहम किया है कि बेअख्तियार मौलिफ की मेहनत और काविश की दाद देनी पड़ती है। जनाब जोर का एहसान अजीम उर्दू पर है, उन्होंने इस फन के मंतिक ऐसी बीशबहा तस्नीफ पेश की है। एक छोटी सी किताब रूहे तनखीद पर, रूहे तनखीद ने हकीकत में तनखीद के जिस्म में रूह होगी। चुनाचे इसके बाद उर्दू तनखीद के शाहपारे लिखे गए। रूहे तनखीद को दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं, एक तनखीद और अदब की पैदाइश, तनखीद और अदब का मकसद, तनखीद और अदब का इर्तिका, तनखीद और अदब का तखाबुल, और दूसरी तरफ अजमीना। कदीम यूनान हो या के रोम हो या उसके आइंदा के बाद इंग्लिस्तान और फ्रांस के रेवोल्यूशन और इंकलाबात हों या 18वीं सदी के कोलरिज वगैरह की दास्तानें हों, इन सब को मिलाकर उर्दू अदब से जुड़ा है। और जोर ने असर हाजिर की तनखीद से ऐसे मुकालमे, इस किताब को मैंने पढ़ा है, इस किताब के एक एक जुमले से मैंने इस्तेफादा किया है। इनके जब तक रूह तनखीद बाकी रहेगी।